अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निमरा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क क्या है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। डिफरेंट टाइप्स है मैग्नेटिक डिस्क की, कोटेड विद अ लेयर ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि इनको मैग्नेटिक डिस्क का नाम क्यों देते हैं? डिस्क के ऊपर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर कर देते हैं, लेयर को कोट कर देते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उसकी आप लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं। जब आयरन ऑक्साइड की डिस्क के ऊपर लेयर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो उस डिस्क को हम किसका नाम देंगे, मैग्नेटिक डिस्क का नाम देंगे। रीड राइट हेड क्या है, द रीड राइट हेड यानी कि इन डिस्क के ऊपर हम लिख कैसे सकते हैं या हम उसे रीड कैसे कर सकते हैं। ऑफ डिस्क आर सिमिलर टू द रिकॉर्डेड रिप्ले हेड ऑफ अ टेप रिकॉर्डर। जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड रिप्ले हेड है ना, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट्स में हम इंफॉर्मेशन को या वॉइस को, साउंड वेव्स को किस तरह से सेव करते हैं। ठीक है, किस तरह से स्टोर करते हैं, सेम वैसा ही इसमें भी क्या है, रिकॉर्डेड रिप्ले हेड है। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इट मैग्नेटाइजेस पार्ट ऑफ द सरफेस, इसका जो मैग्नेटाइज पार्ट है सरफेस का। ठीक है, हमारे पास डिस्क होगी, उसके ऊपर हमने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर कर दी है। फॉर एग्जांपल हम जिंक ऑक्साइड की या फिर आयरन ऑक्साइड की कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो मैग्नेटिक पार्ट है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन उसके ऊपर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। द डिफरेंस इज दैट, अब हमने जो ऑडियो वीडियो कैसेट ली थी, ठीक है, उसमें भी हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे, और हमारे पास जो मैग्नेटिक डिस्क है इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को उसी तरह से स्टोर कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है, द डिस्क इज अ डिजिटल मीडियम, बाइनरी नंबर्स आर रिटन एंड रीड। इसके ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होती है। अब बाइनरी नंबर्स क्या है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर किए जाते हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डिस्क पर भी जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे वो किसकी फॉर्म में करेंगे, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में करेंगे, जीरो और वन के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। हम जो डाटा राइट कर रहे हैं वो भी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में राइट किया जाता है, और जो हम रीड कर रहे हैं वो भी हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में ही रीड करते हैं। हमारे कंप्यूटर में एक, हम बाइनरी नंबर्स को तो रीड नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, वो उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि हम जो भी डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं, इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं या उर्दू में नोट्स बना रहे हैं, वो उसको क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं, वो बाइनरी फॉर्म से उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं जिस लैंग्वेज में हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो कैसेट और डिस्क में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो डाटा स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में ही हम डेटा को रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क की एक एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क है क्या, अब फ्लॉपी डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेटिकली सेंसिटिव फ्लेक्सिबल है ये प्लास्टिक वेपर वेफर हाउस्ड इन अ प्लास्टिक केस। हमने इसे क्या किया होता है, प्लास्टिक केस के इसके ऊपर कोटिंग की होती है। ठीक है, या आप ये कह लें फ्लॉपी डिस्क जो है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक की, मतलब इसका जो कवर होता है ऊपर से वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, स्मॉल मैग्नेटिकली सेंसिटिव है। फ्लॉपी डिस्क इज कोटेड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, इसे कोट करते हैं। सिमिलर टू द मटेरियल यूज टू कोट द कैसेट और वीडियो टेप, वही मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर दो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो आपको मैंने पहले भी बताए हैं, जिंक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है या फिर आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, इसे कोट करते हैं। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूड एट लीस्ट वन डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर्स में क्या है, कम से कम एक डिस्क ड्राइव मौजूद होती है, डेट अलाउज द कंप्यूटर टू राइट इट एंड रीड फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क, जो क्या करती है उस फ्लॉपी डिस्क से पर काम, हम कोई भी डाटा स्टोर करना है, राइट करना है वो कर सकते हैं या फिर रीड वगैरह कर सकते हैं।
इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज रीड करने से पहले मैं आपको फ्लॉपी डिस्क दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। आप लोगों ने भी अपने कंप्यूटर्स में देखे होंगे। एडवांटेज इसका क्या है कि फ्लॉपीज आर इनएक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, कन्वीनियंट भी है और उसके साथ साथ ये क्या है, रिलायबल भी है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लॉपीज लैक द स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। एंड ड्राइव स्पीड फॉर मैनी लार्ज, और इसकी जो स्पीड है, ड्राइव स्पीड जो है वो भी बहुत क्या है, कम है। अगर जो हमने जो जॉब्स हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटा स्टोर किया जाता है, उनके लिए फ्लॉपीज जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी स्टोरेज बहुत कम होती है और उसके साथ साथ उनकी स्पीड भी बहुत कम होती है। लिमिटेशंस क्या हैं फ्लॉपी की? फ्लॉपी डिस्क की कुछ लिमिटेशंस हैं। डाटा स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो सब्जेक्ट टू लॉस। डाटा जो भी हमने इसको स्टोर किया होगा उस पर वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है किसी वजह से, तो उसके ऊपर जो भी डाटा स्टोर किया होगा वो डाटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो डाटा हमने स्टोर किया है वो कहाँ पर किया है, मैग्नेटिक फील्ड पर किया है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, ठीक है, तो जो डाटा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। एज फॉर एज फ्लॉपी डिस्क कंसर्न, दे आर रिलायबल ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ठीक है। अगर हमने जो डाटा स्टोर करना है वो कम अरसे के लिए स्टोर करना है, ठीक है, उसको सेव करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी यूज लॉन्गर, और इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू सेव द डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और इसमें जो डाटा है वो लॉन्ग पीरियड के लिए सेव भी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती है या ख़त्म हो जाती है, तो जितना भी डाटा सेव किया होगा वो सारी का सारा डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमने फ्लॉपीज के कुछ लिमिटेशंस पढ़ी हैं, डिसएडवांटेज पढ़े हैं, एडवांटेज क्या है उनको डिस्कस किया है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के जो हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है और हार्ड डिस्क है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो स्टोरेज डिवाइसेस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। वो इंटरनेट जो है हमारा टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।